नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे वीरो। मैं चंदन सिंह आपके लिए आज एक गांव में था। गन्ने की खेती होती है यहाँ गांव में, टोबा भी है देखिए यहाँ पे, और गन्ने की काफ़ी अच्छी खासी खेती है यहाँ पे। इसके बारे में ही आया था। गन्ने का खेत दिखा मुझे, अपने यूथ उत्तर प्रदेश की याद आ गई। हमारे यहाँ तो उस टाइम गन्ने का भरपूर सीजन चल रहा है। एक तरीके का कंपटीशन रहता है कि भाई किसके कितना गन्ना निकलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कंपटीशन ये रहता है कि भाई 10 फुट, 12 फुट, 16 फुट तक, 18-18 फुट तक लोग बाग असोजी गन्ना निकाल देते हैं। मेहनत भी करते हैं, लागत भी लगता है। दूसरी बात है कि वहाँ पे गन्ने के ऊपर काफ़ी निर्भरता है किसानों की। तो जाहिर सी बात है, जिस फसल पर निर्भरता रहती है किसान उसमें पूरे जोरदार प्रयास करता है। अब पंजाब हरियाणा अपना कृषि प्रधान राज्य हैं, तो यहाँ पे कणक और जीरी की ज़्यादा होड़ रहती है। भाई किले में कितने क्विंटल निकलेंगे। तो अब ये गन्ने का खेत दिखा किसान वीर ने बोया हुआ है। अगर जो इसमें समय से, मेरे ख्याल से अगर जो मैं जूम करके दिखाऊं तो ये 38 बीज है, 38 बीज है। तो जिस तरीके से इसने इसमें लागत लगाई पूरे खेत को, अगर जो हम देखें तो मुश्किल से ये गन्ना जो है 6 से 7 फिट का नहीं है। ना जाने क्या बात रही होगी कि लागत नहीं लगाई या फिर समय से इसकी बंधाई नहीं हुई, काफ़ी गिरा हुआ भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गन्ने की फसल में भी काफ़ी बचत है। 350-360 रुपये का भी भाव तो है ही, लेकिन लागत के साथ साथ देखा जाए तो मेहनत भी होती है। समय पे, जो समय पे मेहनत करता है उसी को ही रिजल्ट मिलता है। अब ये आधा तो गन्ना गिरा पड़ा, क्या काटेगा इसमें से। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई समय रहते हुए फसल में जो भी रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है भाई किसान पे एकदम से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती, चाहे उधार लेके करे कुछ भी करे। लेकिन फिर फसल भी तभी निकलेगी जब आदमी उसमें समय से लागत लगाएगा। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि वो फसल बो जिसमें आप लागत लगा सको और जिसमें आप कर सको, क्योंकि फिर ऐसे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। 6 फुट का गन्ना या मुश्किल से 30 क्विंटल का बीघा भी नहीं निकलने का, फिर अपना लागत भी नहीं वसूल होती। और भाई लागत नहीं वसूल होने की तो फिर आदमी करेगा क्या, कुछ भी नहीं। देखो दूर दूर तक बस इतना ही है, थोड़ा सा उधर ठीक सा है, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ हद तक थोड़ा सा है इसमें दम सा, बाकी तो अपना ये है कि थोड़ा बहुत ठीक है भाई। कुछ ना कुछ परिस्थितियां बनी रही होंगी। बाकी मेरे दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग बना रहे मेरे चैनल पे, और ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी वीडियो लेके आऊँ। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि भाई मेहनत करो, देखो मेहनत करो समय से, और भाई समय से मेहनत करो, लागत लगाओ, अच्छी फसल काटो। बाकी ऊपर वाले के हाथ में देना ना देना, क्या देगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से अपना दिनचर्या और ज़िंदगी चलती है। बाकी किसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इतना सूखा नहीं होता कहने की बात हो। जिस टाइम गन्ना बोया जा, फिर उसकी खुदाई नुलाई स्प्रे, भयंकर गर्मी पड़ती है मई जून की, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, बाप दादा की चीज़ है। तो मेरे प्यारे वीरो, इजाज़त दो, सत श्री अकाल।